सड़क हादसे में घायल व्यक्ति अगर अस्पताल पहुंचता है और उसकी जान को खतरा है तो दिल्ली सरकार उस मरीज के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के तहत सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में घायलों का फ्री इलाज किया जाएगा। इसके अलावा आग लगने की घटनाओं और एसिड अटैक में घायल के इलाज का भी पूरा खर्च दिल्ली सरकार ही उठाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि दिल्ली में हर साल करीब 8000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। करीब 15000 से 20000 लोग इन दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, इसलिए हमने ये फैसला लिया। जैन ने बताया कि सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को 2000 रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। इस पर कैबिनेट की पिछली बैठक में ही फैसला हो गया था। अब दोनों योजनाओं को एलजी के पास भेजा जाएगा ताकि इन्हें एक साथ लागू किया जा सके। सरकार के इस कदम से घायल को बचाने के लिए लोग आगे आएंगे। फिलहाल केरल में सड़क हादसे में घायलों के 48 घंटे तक इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। वहीं मध्य प्रदेश में भी घायलों का सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह मुफ्त है, जिसके बाद अब दिल्ली में भी इस योजना को लागू करने की कवायद तेज हो रही है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।